शादी को लेकर शिल्पा शिंदे ने तोड़ी चुप्पी, दिया यह बयान। बिग बॉस खत्म होने के बाद भी शो के कंटेस्टेंट आए दिन सुर्खियों में बने हैं। उनसे जुड़ी कोई न कोई खबर आती ही रहती है। शो से बाहर आने के बाद सभी एक दूसरे को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट करते रहते हैं। बिग बॉस के घर में शिल्पा की शादी को लेकर भी कई बार सवाल किए गए, लेकिन अपनी शादी को लेकर अब चुप्पी तोड़ते हुए शिल्पा शिंदे ने कहा कि उनका शादी करने का कोई इरादा नहीं है। बता दें कि एक्ट्रेस 40 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अब तक वे सिंगल हैं। एक इंटरव्यू के दौरान शिल्पा ने कहा कि वे सिंगल रहकर काफी खुश हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मैं यह नहीं कह रही कि मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता भविष्य में मेरे लिए क्या लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अभी शादी के बारे में सोच भी नहीं रही हूं। मुझे सिंगल रहना ही बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे पास बहुत फ्रीडम है और मैं अभी इसे एंजॉय करना चाहती हूं। इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शादी एक बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ा फैसला है। शादी के लिए दोनों पार्टनर की सोच मिलना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि शिल्पा शिंदे की शादी उनके को-स्टार रोमित राज से होने वाली थी। दोनों की शादी के कार्ड्स तक बढ़ चुके थे, लेकिन किन्हीं कारणों से यह शादी टूट गई। रोमित शादी कर चुके हैं और एक बच्चे के पिता भी हैं। शो की विनर रही शिल्पा शिंदे अपने सीरियल भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी के किरदार के लिए लोगों की पसंद बन चुकी है। बिग बॉस के घर में भी शिल्पा शिंदे को खूब पसंद किया गया। शिल्पा के लिए यह भी कहा जा सकता है कि शो के दौरान उनकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा रही।